when you need only accept the sacred gift. Christ! Like she did. Temperance, child. I've taken the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess Fae. I'm making tea for you. Move! Is it always like this with you? How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Kidding. Ah, yes, the time has come. Like I told you, I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, Boogie. Exalt all Leon! And let it be so. This time, it has to be different. When you need only accept the sacred gift. Christ! Like she did. Temperance, child. I've taken the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess Fae. I'm making tea for you. Move! Is it always like this with you? How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं राज गेमर 2911 आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा रेसिडेंशियल एविल थोड़ा तबियत खराब है, मोबाइल पे चार्ज नहीं था। कल स्ट्रीमिंग स्टार्टअप की थी लेकिन आज पूरा दिन सोने में ही गया पूरा, मतलब वीकनेस की वजह से। तो मोबाइल चार्ज करना रह गया, नहीं तो BGMI खेल लेते थे। लेकिन स्ट्रीम स्टार्टअप की है तो रेसिडेंशियल एविल 4 के भी बहुत सारे गेम अपना बाकी है यहाँ पे। मेरे को खुद को याद नहीं कि लास्ट में गेम कहाँ पे छोड़ा था। अभी जहाँ से स्टार्टअप है वहाँ से देख लेते, थोड़ा बहुत याद आता है। तो बैकग्राउंड स्टोरी में आप देखोगे, आवाज़ तो आ रही है ना सबको? आवाज़ क्लियर आ रही है ना गेम में? क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, PC गेम है। ओके, आवाज़ जा रही है। ओके, तो रेमोन करके बंदे के कैसल में अपन पहुंच चुके थे और वहां पे अपने को मिलना था, लुइस करके बंदे से मिलना था, जो अपनी एशले है वो बीमार हो चुकी है। उसको वो प्रेसिडेंट की बेटी जिनको इसने रेमोन के जो टीम से विलन्स की टीम से उन्होंने किडनैप किया था। लेकिन साथ में उसको एक
पैरासाइट भी उसको इंजेक्ट किया, तो उसका इलाज करना है, साथ में उसको अपने को छुड़ा के उसके वापस प्रेसिडेंट के पास लेके जाना, ये अपना मेन मिशन है। तो लियोन करके बंदा जो कैरेक्टर जो अपन प्ले कर रहे हैं, वो मिला था एक लुइस करके बंदे से, वो बोल रहा है कि इसके अंदर जो पैरासाइट है इसके फर्स्ट ट्रम से, तो उसको अपन अच्छा कर सकते। तो बस वही तलाश में कैसल में आ गए थे, लेकिन कैसल में आने के बाद एशले अपने से यहाँ से बिछड़ चुकी है और अपनी खोज चालू है एशले को लेके। तो उसके मिड टाइम अपने को जो अपनी फ्रेंड है एडा करके, एड समथिंग नाम एडा, तो वो बोली है कि उसने देखा है, तो उसने उसी जगह पे लियोन आगे बढ़ रहा है एशले की तलाश में, चलो बढ़ते गेम की ओर, मैं भी बहुत एक हफ्ते बाद खेल रहा हूँ तो शायद संभाल लीजिएगा, गन भी मेरे को ध्यान में, 6 नंबर का स्लॉट खाली किए, 6 नंबर में तो शॉटगन रहती है ना मेरी, शॉटगन क्यों नहीं क्यूब पे, 6 नंबर पे चाहिए ये, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई हुई थी। तो गन मैंने ऑलमोस्ट अपग्रेड कर लिए थे और अभी अपने को ढूंढना है एशले को। हेवी ग्रेनेड अपने पास पड़ा हुआ है, कितना, एक है, ओके, तो हेवी ग्रेनेड की तो अपने को ज़रूरत नहीं है। एक नंबर पे अपने रिवॉल्वर से मशीन सब मशीन गन भी अपनी वहाँ पे, एक हफ्ते बाद खेल रहा हूँ वो भी इस कंडीशन में कि मेरे को बात करने में तकलीफ हो रही है, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, बीमार हूँ, बुखार हो, तो संभाल लीजिएगा। चलो घुसते गेम में, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, डिटेलिंग आपको नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी इतनी डिटेलिंग में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। चलो अभी फाइट कैसी होगी ना, अल्लाह जाने की देखते खेलते, एक बार गन देख लेते, ये गन है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से किया था, अपना कुछ बेचने क्या सामान नहीं, मैंने मटेरियल अच्छा जमा कर लिया था, मेरे को इतना ध्यान में है। सेकंड नंबर पे मशीन है, ये गन को कभी अपने को हाथ नहीं लगाना जरूरत पड़ने पे, और सेकंड नंबर पे अपनी तोपखाना एकदम शॉर्ट गन हाऊ ढैचू में, ओके चलो कोई बात नहीं। अरे अंधे कोई भी तेरा भाई मार गिराएगा, डरता नहीं है, लेकिन तेरे भाई की अभी फटी पड़ी है बीमारी से। एक इधर रास्ता जा रहा है, एक मिनट देखने दे, अपने को ये सब करके निकलना था यहाँ पे, अपना लोकेशन जाना है अपने को, यहाँ पे जाना है, ओके, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से लाइब्रेरी की सैर तो पूरी कर ली थी तेरे भाई ने, और डायरेक्ट घुसना था लूटपाट करके, ये पीछे चल रहा है तो यहाँ पे नहीं जाना है अपने को, वो जाना है बड़े डोर पे, अभी बड़े डोर पे जैसे ही घुसूंगा मेरे को लगता है बूम बम चालू, यहाँ पे नहीं जाना है। लियोन भटक मत यार, तेरे ऑपरेटर खुद बीमार है यार। चलो सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये डोर खुलेगा, यस खुलेगा, ओ भाई एरिया देख के कुछ ना मेरे को अलग सा फील हो रहा है। हीलिंग पड़ी है आपके भाई के पास, हीलिंग अच्छी खासी पड़ी, हीलिंग की कोई टेंशन ही नहीं है, छुरी भी है, ब्लॉक कर सकता हूँ, एक्चुअली नाइफ नहीं होगा ना तो वो अटैक ब्लॉक नहीं कर सकते, प्रॉब्लम वो है, कोई बात नहीं, चलो बढ़ते आगे, सफर चालू हो चुका है। ओ भाई चल, आते ही पंगा, ए ये मेरी राह देख रहे थे क्या, मैं एक हफ्ते से नहीं आ रहा हूं, आते ही कूद पड़े यार मेरे अंग पे। अरे बीमार आदमी है, कुछ तो संभला करो यार, समझ लिया करो, नहीं कूद पड़े मेरे ऊपर, छोड़ेंगे क्या, चेयर डालेंगे एक एक को, लेकिन यहाँ पे लूट अच्छी मिल रही है, बुलेट भी अच्छी है। चलो तेरे गालों पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है, और मेरा दिल सूजने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है मेरे को, इतनी गारंटी मेरे को लग रही है यहाँ पे। लियोन भाई संभाल लेना, चलो घुसते,
यहाँ पे ये दो डोर पे जाना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से मैं रास्ता तो बराबर हूँ। अच्छा रास्ता तो अपन बराबर, लेकिन यहाँ पे रास्ता खुल नहीं रहा है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है डोर ब्लॉक है, तो साइड से जाना पड़ेगा। अभी साइड का रास्ता अपने को ढूंढना पड़ेगा। तेरे गालों पे कसम से बोलता हूँ ना मैं, अभी मतलब जस्ट एक 10-15 मिनट पहले मैं स्ट्रीम का स्टार्टअप कर रहा था और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। बहुत थकान बोले तो मेरे को इच्छा ही नहीं हो रही थी, पसीना छूट रहा था, ये सब अलग अलग चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे स्ट्रीम चालू किया, पता नहीं कहाँ से बूस्ट मिल जाता है। जब भी अच्छा अपन जब काम चालू करते हैं, आपने पसंद से कही देखो चल नल्ली आसमान से गिरी, तो पता नहीं बूस्ट मिल जाता है एक बात करने के। अरे मेरा चाकू नाइफ यहाँ पे टूट गया है यार, ये सबसे बड़ा खतरे के लिए। नाइफ नहीं है, मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। एक सही बात है कि ये ब्लॉक बोले तो जो अगर कोई अटैक करेगा ना, इसके लिए मैं यूज भी नहीं करता नाइफ ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि पूरा नाइफ डैमेज हो जाता है। यार खतरनाक खतरनाक आवाज आ रही है यहाँ पे। कोई ना चलो घुसते, नाइफ मिला है बढ़िया। नाइफ मिलना बोले तो खतरे की निशानी भी होती है, आपको ऐसा लगेगा कि नाइफ। हील भी मिल रही है, फर्स्ट एड मिल रहा है यहाँ पे भाई। खैरात में नहीं बांटेंगे ये लोग, अपनी सुझाएंगे। अभी गन पाउडर भी मिली है, बट मतलब तगड़ी फाइट्स आगे होने वाली है अपनी। बुलेट्स भी मिल रहे हैं बाय बाय। इतना तो बात है कि गेम फ्री में कुछ देगा नहीं है, आगे खतरनाक फाइट्स होने वाली है अपनी। चलो यहाँ पे कुछ चीजें भी सर्च करना नहीं है अपने को, ड्रॉप नहीं करना है कोई भी, ध्यान से देख के एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। वास टूटे तोड़ सकते क्या? नहीं, यहाँ पे वास नहीं तोड़ सकते अपन। कुछ तो है यहाँ पे कागज तो। भाई यहाँ पे एक अपने को नोट मिली, जो रेमोन है ना, रेमोन जो एक कैसल का ओनर है ना, एक कुछ कीड़े वाला बंदा है, इसको एक्सपेरिमेंट्स करने में मजा आ रहा है। तो इन लोगों ने जो ब्लैक लिक्विड लास्ट टाइम अपन ने देखा था फाइट करते वक्त, वो तो वो ब्लैक लिक्विड से एक्सपेरिमेंट किए और उसके वो ब्लैक लिक्विड का उनको एक एक्सपेरिमेंट में मतलब फायदा भी दिखाई दे रहा है कि जो मॉन्स्टर बन रहे। अभी देखा जो मक्खी आई थी वो ब्लैक लिक्विड की वजह से बनाई गई है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई है। और उनका कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट उनका अच्छे से हो रहा है और वो मक्खियां बढ़ भी रही है, खा भी रही है और बढ़ भी रही है। मतलब आगे ये मक्खियों के साथ अपना पाला पड़ने वाला है और अच्छा खासा मक्खियों के साथ पाला पड़ने वाला है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दो मक्खियां आएंगी, मक्खियों की बारात आने वाली है, वो भी अच्छी खासी तगड़ी। ओके चलो गन पाउडर आते ही गन पाउडर मिल गई है यहाँ पे, तो अपने को गन पाउडर के लिए बुलेट बनानी है। कंफर्म है कि यहाँ पे फाइट तगड़ी होगी। चलो मतलब अभी नया मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है और अपनी फाइट तगड़ी होने वाली है। मक्खियों के साथ पंगा चालू हो चुके हैं।
कुछ भी बोलो भाई लोग, ग्राफिक तगड़ा है इस गेम का। चलो नीचे उतरते, नीचे उतरते ही मेरे ख्याल से मेरे को अपने पे अटैक होगा, इतना कंफर्म है। ओ लो लो भाई लो, ये देखो ओ भाई, गुनगुन करके आया भौरा, भौरे ने सुनाया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यहां पे मक्खियां देखो कितनी है, कान खा रही है यार मक्खियां, कसम से बोलता हूं दोस्तों कान खा रही है। वो बोलते ना कानों में मक्खी आ रही है, घूम रही है वैसी हालत। अपनी गन अपग्रेड इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि एक फटके में तो इसको गिरा रहे अपन। लेकिन कानों में ना जो मक्खियों की गुनगुनाने की भिनभिनाने की आवाज है ना, इतनी तगड़ी है ना भाइयों। ये देखो आओ आओ भाई आओ, ए भाई तगड़ी है मक्खी आ रही है। अभी मक्खियां होगी, मेरे को एक डाउट आ रहा है रियली, ऐसा डाउट बोल सकते हैं कि या जजमेंट ही बोल सकते हैं ना अपन, कि मक्खियां तो आ गई इतनी साली, अब इनकी रानी भी तो आनी ही। जितने मॉन्स्टर्स आए उनके बॉस तो आए, तो इनकी रानी भी तो आएगी। ये देखो नल्ला चल, ए भाई पूरा हिल पे हिल खा रहे यार ये। कानों में भिन भिन आ रही है मक्खियां, इतनी मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पे। ओ भाई किधर तो है पता नहीं चल रही मेरे को कहाँ पे है एग्जैक्टली। बहुत मक्खियां भिन भिना ने थी पूरा कानों में ना, भिन भिनाट उनकी गूंज रही है मेरे। एक बार मैप देख लेते हैं क्या, अरे यहां पे कुछ तो मिस किया है मैंने। देखो पीछे पीछे यहां पे डायमंड मैंने मिस किया, कोई बात नहीं एक बार देखते हैं। रुको इधर से ही आया था ना मैं, लियोन भी मजे रह रहा है, बोल रहा है नेक्स्ट है कितने कोई।
और मक्खी है। ओ भाई बाहरी के गई मक्खियां। डोर खुला यहां से तो आ चुके थे अपन। ओ अपना कुछ छूटा है पीछे ना, मैं बोला था तो ये यहां पे छूटा है, यहां से एंट्री किए थे अपन ने तो यहां पे छूटा है वो, तो यहां से वापिस मेन गेट से जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ओ भाई क्या चिल्लाने की आवाज आई मक्खी की। किधर तो है पता नहीं चल रही मक्खी। ये देखो मैं बोला किधर तो है। यहां से ही तो आया था ना मैं, यहां से आया था अपने को। अच्छा वो देखना है डायमंड कहाँ पे देखना है। ओके चलो यहाँ पे पीछे ही देख लेते हैं। ओके डायमंड उठाते फिर आगे के सफर में चलेंगे अपन। ओके डायमंड आगे ही है लेकिन देख क्यों नहीं रहा अपने को। इधर किधर ही है। ओके ढूंढना पड़ेगा, जगह तो सही है, यहाँ पे किधर तो बता रहा है। ये देखो ये ना फालतू गिरी करते किधर लगा रहा। मैं यहाँ पे आके गया, मेरे को लगा ही था कि मेरे को अगर यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिला ना तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इन लोगों ने छुपा के रखा है। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। गेम है ना आवली है कसम से बोलता हूँ, अपने से ज्यादा गेम बनाने वाले का क्या दिमाग रहेगा ना, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ छुपा के रखा है। अभी अपने को आगे बढ़ना है यहां से सीधा। यहां से तो पूरा खाली करके गए थे अपन। इस सीढ़ी क्यों रखी है यहाँ पे, सीढ़ी देखनी पड़ेगी अपने को। उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पीछे से रास्ता है क्या। ओके इधर से रास्ता। खतरनाक आवाज है, ये खुल नहीं रहा। ऊपर शायद मक्खियां भिन भिन आ रही है।
लूट अच्छी मिल रही है, लेकिन ये जब से मक्खियां आ रही है लूट अपने को अच्छी मिल रही है, लेकिन एक है कि अपने रिवॉल्वर से है ना, अपने ऑलमोस्ट वेपन अपन ने अपग्रेड किए तो जल्दी मर रहे हैं लोग, लेकिन मक्खियां मेरे को नहीं लगती कि ये देखो साली मैं नाइफ यूज नहीं कर रहा हूँ, अपने पास जो नाइफ है उसकी बहुत ही कम है, मतलब इतने पावर नाइफ में नहीं बची, अपनी नाइफ एक शॉट में अपना निकल सकता है, तो नाइफ इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ मैं मारने के लिए, बुलेट्स बनानी पड़ेगी, हैंडगन की एमओ बना के रखते हैं। मशीन गन की एमओ तो है मेरे पास, राइफल के एमओ बनाना पड़ेगा अपने को, राइफल अपने पास तगड़ी है लेकिन रीलोड नहीं दिखा रही, जीरो बुलेट क्यों दिखा रही है राइफल, रीलोड कर। ओके, लीवर खोलने से पहले एक बार चेक कर लेते अपन, हील बहुत कम, हील ले ले क्या, फिलहाल हील की जरूरत नहीं लग रही है मेरे को, लेकिन रुको हील नहीं लेते अभी, फिलहाल लीवर खोल देते, जो होगा सो होगा, देखते हैं ना क्या होता है। There we go. ओके, लियोन ने भी सिग्नल दिया है कि निकल सकते हैं अभी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं चेक करूंगा, मैं विदाउट चेक यहां से निकलने वाला। अभी भी मक्खियों की आवाज तो आ रही है, किधर कुछ ना कुछ छुपा रहेगा। गन पाउडर मिले वापस अपने को, लेजर से अपने को निकालना पड़ेगा, लेजर कुछ काम का नहीं, फ्लैश चलो निकलने का टाइम हुआ, यहां से निकलते भाई, क्या खतरनाक नजारा है देखो यार, यहाँ पे एकदम खतरनाक नजारा है यार, ग्राफिक बाप है, दुनिया गेम में इतना ओल्ड गेम है लेकिन लगता नहीं है। ये रिमोन आ गया वापस परेशान करने अपने को यार, ये अपने को बता रहे तो वो अच्छा फाइटर नहीं है, ठीक है भाई। चलो इसने चिढ़ाया अपने को कि वापस तेरे से बिछड़ गई, तू सेव नहीं कर सका, ये सब बातें कुछ नहीं भाई, नल्ले तू चिल्ला ले, तेरी तो बैंड बजाऊंगा जिस दिन सामने आएगा। भाई इतना सुनसान जगह है, आगे अपनी फाइट तगड़ी है, इतनी तो गारंटी है कुछ ना कुछ होने वाला है, बुलेट राइफल की 13 तो लोडेड है, शॉटगन मेरी अच्छी खासी भरी हुई है, मेरे पास लूट की कमी नहीं है, हील की कमी नहीं है,
चलो आगे बढ़ेंगे। बुलेट तो रखी हुई मिल रही है। There's got to be a way to lower that drawbridge. लूट अच्छी खासी मिल रही है तो संभल जाना चाहिए। ये तो समझ गया कि ये ब्रिज देखा है तो ये बॉल को भी तोड़ना ही है। अभी कौन कौन आ रहे? अरे आधे में अटक गया ये। और कुछ रहेगा? अच्छा अच्छा ये देखो यहाँ पे पीला मार्किंग दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वही बोला कि आधा कैसे तोड़ने को दिया इन लोगों ने, पूरा क्यों नहीं दिया? यहाँ पे एक है, तोड़ देते। अच्छा कमाल है, ब्रिज का अपन डोर तो ओपन किए लेकिन कोई आया नहीं स्वागत के लिए। अभी अपने को ही बोलना पड़ रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा यहाँ पे? कुछ तो बात है भाई लोग, इतना सुम में कोई तो डोर और तोड़ने के या ब्रिज ओपन करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि स्वागत नहीं किया अपना। चलो देखते हैं। गेम सेव दिखा रहे हैं, हिल दबा लेते हैं, हिल दबा लेते हैं इज्जत से, हिल कर लेते क्योंकि यार नॉर्मल है यार, इतना इन लोग इज्जत दे रहे हैं, आराम से घुसने का दे रहे हैं तो फाइट तो होने वाले यार। ओ भाई बुलेट क्यों नहीं लगी इसको? अरे नहीं 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 नहीं, मेरी गन चेंज हो गई है वहां पे। पीछे पीछे भाग रहा है ये मेरे। ये आगे कमी नहीं रास्ता बताने मेरे। ओ भाई भाग इधर से, भाग, उसको मारेगा वो। ए भाई अरे ब्लॉक नहीं हो रहा यार।
नहीं 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 हिल कर हिल कर हिल कर भागना अरे गन चेंज होना चल लल्ले बीमार हूँ अक्कल से नहीं शरीर से समझे नल्लो लेकिन बोल ही खाया गया ईगल वेलकम वेलकम जय कैसे है बीजे में अरे एक्चुअली मैं दिन भर में दवाई खा के सो गया मोबाइल चार्जिंग नहीं कर सकता तो बोला एक स्ट्रीम करना है अभी बैठ सकता हूँ तो कल विजय में की कितनी चार्जिंग करके आज देखा तो 12-13% चार्जिंग है तो बोला रेसिडेंशियल इविल का ही कर लेते हैं वैसे भी एक हफ्ते से इसको किया नहीं है
इसके लिए चालू है, लेकिन कल से चालू भी कंटिन्यू, बीजीएम में रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा क्या मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसके लिए, नहीं तो मैं दोनों साथ में ही कर रहता था। ठीक है, लेकिन कर लेंगे यार धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है, पसीना छूट जाता है यार। लेकिन मैंने एक देखा शॉटगन, इतना मैंने अपग्रेड किया शॉटगन, इतना अपग्रेड करने पे भी इतना अच्छा डैमेज नहीं दिया उसने मेरे। ये बोल्ट यार मैं यूज नहीं करता पे। पूरी मशीन गन की एमो खत्म हो गई यार। वैसे तो राइफल थी, राइफल यूज कर सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं करना है, मतलब नहीं, ये फ्लैश गन अभी यूज करूंगा मैं, फ्लैश ग्रेनेड बहुत है मेरे पास, ग्रेनेड तो यूज नहीं किया, लेकिन अच्छा रहा फाइट, इतना भी बुरा अपनी नहीं हुई, तगड़ी फाइट हो गई। गन रीलोड कर लेते हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी गन देखो अपनी खत्म हो गई है, शॉर्ट गन की तो जरा भी एमो नहीं है। ये मैं गन ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि अच्छा मॉन्स्टर रहेगा, कोई ताकतवर रहेगा तो ठीक है, चलो कोई ना, जल्दी चालू करेंगे आप विजय में। मेरे ख्याल से कल से कंटिन्यू करूंगा, अगर तबीयत ठीक रहा ना, मतलब अच्छा रहा, बात करने में अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि अभी भी ये मेरा पूरा पसीने से भीग रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने लाइट भी ऑफ नहीं की, बोली ओपन लाइट्स में करते करके थोड़ा सा तकलीफ अभी भी है। डॉक्टर बोला और एक हफ्ता लगेगा रिकवर होने के लिए, क्योंकि कफ ज्यादा हो गया बॉडी में, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ, खाना भी नहीं जाता ना, कफ है तो बेचने के काम आ गए। तो बीजे में कंटिन्यू करेंगे कल से तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा बीजे में को, मेरे को भी बीजे में खेलने में अच्छा लगता है भाई। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत स्ट्रीम को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये बोल्ट क्यों दे रहा है यार, बोल्ट मैंने भेज दिया, वो वैसे भी बोल्ट यूज नहीं होता का, मतलब हम यूज नहीं करते वो अलग बात है। गन बुलेट बनर, शॉर्ट गन की बुलेट बना लेते अपन, शॉर्ट गन की नहीं बन पाएगी, शॉर्ट गन की बुलेट, रिवॉल्वर की 26 है तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, शॉर्ट गन की बुलेट्स बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी कुछ बना के फायदा नहीं है। और जय आपका खाना हो गया, यहाँ पे कुछ है क्या, हम देख लेते हैं, है देखा ना मैंने बोला ना, अच्छा ये आगे की तरफ है, यहाँ पे तो ये मार्क है एंड, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, सब लूटपाट हो चुकी है। फ्लैश ग्रेनेड में यूज नहीं करता, फ्लैश ग्रेनेड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ नहीं चलो देखते बाद में। चलो यहाँ पे खाली हो चुके, शॉटगन अपनी खाली पड़ी है यार, चलो निकलना है, लगाना पड़ेगा यहाँ पे यूज। स्वागत तो अपना तगड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या लाइट जली, ओ भाई जैसे करोड़ों का खजाने का दरवाजा खुलता है ना वैसे खुल गया ये। एक बार देखते हैं यार लूट वीट कुछ है क्या,
यहाँ पे चलने, यहाँ पे थ्रोन रूम में, और एडी ने अपने को बताया, एडा ने अपने को बताया यहाँ पे अपने को मिलने वाली है अश्लेन। तो चलो निकलते सफर पे। बुलेट, पूरी शॉटगन की बुलेट खा गई वो। एक्चुअली वो एश्ले की आवाज यहाँ पे ही आ रही है, कुछ तो पंगा है भाई। भाई सब बुलेट बना लेते हैं, यहाँ पे बुलेट बना के रखते हैं। एक कार्ड से अच्छा अपन डैमेज बढ़ा सकते हैं ना, वो वाला कार्ड है। यहाँ पे एश्ले की आवाज तो आ रही है, फाइट तो तगड़ी होगी। चलो घुसते, देखते जो होगा सो होगा। ओ भाई इसको तो पूरा मेकअप करा के लगाया है। ओ भाई बड़े कमीने है तू, इसके साथ कुछ तो रिचुअल्स किया जा रहा है। All the worse. इसको कुछ पिला, अच्छा इसको ये पानी पिया जा, पानी पिलाया जा रहा है ब्लैक कलर का, जिससे कि वो मालूम है वो मॉन्स्टर बने थे वही, इसको ये पिलाया गया है ताकि इसके अंदर जो है पैरासाइट उसको ताकत मिले और वो बढ़े। ओ भाई 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 लगता है मार। ओ भाई ओ इसने मेरे को अंदर डाला तो डाला, ऊपर से और एक बंदे को मेरे को ऊपर फेंक दिया था देखो। ओ भाई अश्ले को अभी बचाना बहुत। I'm coming for you. लियोन तो भी बोल रहा है कि अश्ले तू थोड़ा धीरज रख, मैं आ रहा हूं। और इधर तो लियोन की खुद की पट्टी है और अश्ले को पैरासाइट तो अंदर इंजेक्ट है ही, ऊपर से साथ में ये ब्लैक वाला पानी भी पिला दिया, तो पैरासाइट उसका जल्दी बढ़ने वाला है, तो अपने को जल्दी फटाफट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या Give up the ghost, huh? अब यहाँ से ढूंढ के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से निकलना भी कोई आसान नहीं होने वाला अपने। फिलहाल पीसी गेम बीच बीच में ही खेलेंगे, उसका रीजन है थकान हो रही है खेलने में। बीजे में पर डे की स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रखेंगे अपन। कील रखी हुई है, उठा लेते हैं। यहाँ पे मैप ओपन करके देखते हैं कुछ है क्या। इधर से निकलना पड़ेगा अपने को, ये तो अपन खतरनाक जगह पे पहुंच चुके हैं। चलो कोई ना, इधर से रास्ता जा रहा है। Talk about stick in the land. कल शाम को बिजे में ही खेलेंगे, पिस्ती गेम का नहीं रखेंगे। इधर से निकलना मेरे को नहीं लगता इतना आसान रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा अगर अंदर इन लोग ने डाला है अपने को, तो इनको इतना गारंटी कि यहाँ से क्या भाई कुछ तो है पानी के अंदर, पानी के अंदर कुछ तो है। कुछ तो दिखा ना अभी यहाँ पे ग्रीन जैसा। वो
कुछ तो है पानी के अंदर, झुक के चलना पड़ेगा। वो देखो कुछ तो हाईलाइट है, रेड कलर। कुछ तो है, संभल के चलना। ये देखो तो कुछ तो था। ओ भाई हमारा 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 कीड़े है लगता है इधर, संभल के चलना पड़ेगा। जिधर पानी हिलते हुए दिखेगा उधर अपने को, ये फली तो रखी है इन लोगों ने, मेरे को यहां से जाते वक्त भी फट रही है क्योंकि कुछ ना कुछ गिरेंगे जरूर भाई। इतने इज्जत से फली नहीं रखे इन लोगों ने, कुछ भी रखा है यहाँ पे नहीं गिरा अपने स्थिति। आप यकीन नहीं मानो जंप का बटन दबा के रखा था, यहां से नीचे कूदना तो फायदा क्या इधर से आके भाई। यहाँ पे तो आ गया मैं, डोर भी बंद है, पूरा मुंह सूख रहा है यार मेरा, डोर भी बंद दिख रहा है। रास्ता आजू बाजू से ही होगा फिर। कुछ लिखा है another one dead, और एक मर गया। How long since I was the third down here, the magic spell. इनको अंदर डाला था जो बंदे अपने को दिख रहे मरे हो, इनको खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, तो पेन सॉफ्ट भूख से तड़प रहे थे ये लोग। और कुछ लोगों ने ये काला पानी पिया। द फर्स्ट टर्न वॉज, ओ भाई मतलब जो ये जो कीड़े आ रहे हैं ना, ये पानी पीने से अंदर कैदी लोग को डाले थे जिन्होंने ये पानी पिया, फिर ये लोग ऐसे मॉन्स्टर बन गए ऐसा करके। इंडेड आई थिंक, तो इनका यही कहना जो लास्ट का बंदा था उनको पानी नहीं पीना था क्योंकि वो मॉन्स्टर बन गया और ये लोग यहाँ पे तड़प के मर गए। तो अभी यहां से बाकी सब ठीक है, जाने का रास्ता कहां से? ओके
चलो यहाँ से तो निकल है, यहाँ पे ग्रीन हर पे उठा लेते हैं। स्मोक ग्रेनेड है, मैं स्मोक ग्रेनेड भेज दूंगा बाद में, मतलब मैं यूज नहीं कर रहा। और ये जो ये है ये सब यूज नहीं करता, रख के क्या करूं यार। ऊपर तो आ गए, चलो मतलब। ओ भाई ये तो लिवान भी डरा देता है, बोल रहा है ब्रेक चाहिए। अरे मेरे तो मेरे को भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पे सेव पॉइंट आ चुका है। चूहों को मारने का मिशन है क्या, देखते हैं ना, मार के देखते हैं। मिशन होगा तो बाद में मिलते नहीं, अगर अपन मिशन देखेंगे ना तो बाद में मिलता नहीं है चूहे भी, जल्दी उनको ढूंढना पड़ता है स्पेशली। ये कुछ तो है, तहखाने में आ चुके एक, वापस गन पाउडर यहाँ पे मिला है, हर्ब मिला है वहां पे। शॉटगन की एमओ बन सकती है तो बना लेते हैं, शॉटगन की एमओ नहीं है। ओके ये सबसे बढ़िया काम हो गया, शॉटगन की 7 एमओ बन गई, इसको रीलोड भी कर लेंगे अपन। और बन रही शॉटगन की एमओ तो बना लेते हैं, शॉटगन की नहीं बनेगी। ओके शॉटगन की एमओ नहीं बन रही, लेकिन शॉटगन रीलोड करना जरूरी है। आगे बढ़ते, पूरा टेक है ना जैसा ही है। आगे मर्चेंट है तो इधर ही कुछ, ओ भाई ये चमगादड़ क्या बोलते, चमगादड़ जब उड़ते हैं सामने से तो थोड़ा सा पटकी तो है भाई लोग। ओके आगे डायमंड दिखा रहा है, ये भाई यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से एक रास्ता है, पहले इसको देख लेते हैं इसको जाने से पहले। यहाँ पे कुछ नोटिस जैसा है, इमरजेंसी लिक्विड नाइट्रोजन शावर। ओके रिक्वेस्ट करो, रिलेशंस लिक्विड नाइट्रोजन शावर डेट वेयर द रिक्वेस्टेड द लास्ट मंथ द कंप्लीट ऑफिशियल लिक्विड नाइट्रोजन। वो तो पता है ये लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ रूम है, इन पीछे अपने को जाना पड़ेगा, थोड़ा जाना तो उधर से, ये बात तो समझ में आई मेरे को। हेलो स्ट्रेंजर, बहुत लूट दे रहे हो भाई, क्या बात है। जाना उधर है, सेव करना है, पहले अपन यहाँ पे ही सब सोचते हैं। अरे वेलकम प्रतीक, क्या बोलतो, रजनीगंधा का ऐड आ रहा है, क्या बात कर रहा है, बढ़िया यार। रजनीगंधा का ऐड आ रहा है तो पूछना, ज्यादा ज्यादा पैसा देंगे क्या,
और प्रतीक क्या बोलता है, थोड़ा मेरे को बात करने में तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा संभल के लेना, मतलब मैं समझ सकता हूँ थकान महसूस हो रही है। और क्या बोलता है प्रतीक, खाना हो गया, कैसा है तू? अरे BGMI का स्ट्रीमिंग करने वाला था लेकिन दवाई खा के सो गया, तो मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, चार्जिंग नहीं किया, तो कल ध्यान रखूंगा। एक स्ट्रीम अपन फिलहाल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डॉक्टर मेरे को कम से कम एक डेढ़ हफ्ते का और रेस्ट बोला है करने के लिए, तो इसके लिए अटक गया। अरे पता है मेरे भाई, तू झूठ थोड़ी बोलेगा, तू देखा ऐड देखा रहेगा तो इसके लिए तो बोला रहेगा। और बता प्रतीक कैसे चल रहा है, बाकी क्या कर रहा है तू? तो क्या यहाँ पे थे तो अपन पहले देख लेते। अरे मैं वो करने वाला था, पहले ये जो नल्ला सामान है ना सब भेज देते अपन को, पहले क्या क्या है ना वो देख लेते। डायमंड तो अपने पास है, 5 डायमंड है तेरे भाई के पास, तो 5 गोल वाले डायमंड है। आज गोल वाले डायमंड है तो इसको लगा लेते हैं, देखो इसको तो एक गोल वाला डायमंड जाएगा, बाकी स्क्वायर वाले ही लगने वाले, ये तो इसको भी स्क्वायर लगेगा। और ये नल्ला सामान अपन नहीं रखेंगे, ये सब नल्ला सामान बेच देते हो, और इसको पहले अपन ये लगा लेते हैं ओके। इसको एक गोल्ड लगेगा ना यार, ये आ गया पहला, इसको लगाने वाले थे अपन, हाँ इसको लगाने वाले थे, इसको ऑलरेडी अपन ने 2 डायमंड लगा दिए तो इसको राउंड वाला लगा देते हैं ओके। एक राउंड लगा, इसको 2 स्क्वायर लगेंगे और इसको 3 राउंड वाले जाएंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो लगा देते इसको एक और एक डायमंड है। और प्रतीक क्या बोलता है, केयर करना क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि वायरल चालू है हर जगह पे। कल अपन शाम को कंफर्म पीसी गेम थोड़ा रेस्ट करेंगे, पीसी गेम में एनर्जीज भी ज्यादा जाती है बात करने में क्योंकि कंटिन्यू कमेंट्री होती है, और अपने बिजी में अपने दोस्त कोई मिले तो बातचीत चालू रहती है तो इसमें उतना एनर्जी नहीं लगती। लेकिन अभी फिलहाल आपके भाई की हालत ऐसी है ना, और डॉक्टर बोला कि कम से कम एक से डेढ़ हफ्ता रेस्ट कम्प्लीटली करने के लिए बोला है क्योंकि बॉडी में कफ ज्यादा है, फीवर तो गया है लेकिन जो मेरी मतलब जो मेरे को दवाई ज्यादा हीट गिरी थी उसका इफेक्ट इतना हुआ है कि बॉडी में से ताकत ही निकल गई है। देखते चलो, तो चलो पहले सामान बेच देते, अपने पास सामान जो है और अपग्रेड की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो ये जाते हैं नल्ले के पास, कब से दुकान खुल के बैठा है। हाँ भाई बोल, क्या है तेरे पास? इसके पास जाके खुल के ही दिखाता है। रोक, खरीदेंगे तेरा भी धंधा पानी देखते हम लोग, पता है। रुक, पहला बेचेंगे जो चीज नहीं चाहिए वो, इसको एक बेच देते, इसको एक बेचते। क्राउन को अच्छा पैसा मिल रहा है तो क्राउन के आइटम्स को अपन बेचेंगे नहीं ओके। ये जो है ना, ये 2 जो 4000 का ये जो कब से पड़ा है इसको निकाल देते हैं क्योंकि वो अपना डायमंड खाएगा, मतलब नहीं है। ये हो गया, ब्रोकन नाइफ नहीं बेचने अपने को। फ्लैश ग्रेनेड 6 है तो मेरे भाइयों मैं 2 भेज देता हूँ फ्रेजर फ्लैश ग्रेनेड ओके। फ्लैश ग्रेनेड 2 बेचता हूँ, जगह भी ले रहे हैं ना, अगर 6 ग्रेनेड रखूंगा मैंने इसलिए रखा, कोई टांडा आया कोई ज्यादा अटैक हुआ तो फ्लैश ग्रेनेड अच्छा काम करेंगे, लेकिन ग्रेनेड की अपने को इतनी जरूरत नहीं लग रही, अपनी गन अच्छे अपग्रेड है। ये बोल्ट्स अपन बेच देंगे 6 के 6, अपन यूज नहीं कर रहे मतलब नहीं है। Time is money, mate. अरे पता है रे नल्ले, सिका लेजर रखू क्या दोस्तों? लेजर बिक रहा है 2500 में बिक रहा है, मतलब नहीं, इसको मैं स्टोरेज में नहीं रख पाऊंगा, ये स्टोरेज में नहीं जाता। लेजर साइट रख के भी फायदा नहीं होगा क्योंकि 2 ही गन के ऊपर लेजर रखते थे, लेकिन अभी नहीं निकलते, बाद में देखते हैं इसको ओके। चलो इतना सामान है तो अपना 59,000 तक का सामान अपन फिलहाल बेच सकते, तो मैं बेच देता हूँ ओके। 59,78,000 मेरे पास जमा हो गए, अभी ट्रेड में देखते हैं अपन, ट्रेड में कुछ
बाय में देखते हैं, बाय में ये तो गन की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि वो गन अपने पास अच्छी खासी तगड़ है। अबे जा मेरी 36 का केस, बड़ा बैग लेके क्या फायदा होगा आप बोल, बड़ा बैग लेके आप उन बड़ा बैग लेके अपने को कुछ फायदा नहीं होने वाला, जितना जरूरी उतना सामान रह रहा है। अभी थ्रेड्स में कुछ नया देखो, ये दो गन को ही लगने वाले हैं। ये क्या, अच्छा ये ओके 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 ओके। देखो एक काम कर सकते हैं अपन, बाकी इसमें ना आइटम कुछ, ये जो अभी आइटम दिखा रहे हैं ना, ये ट्रेड में जो आइटम दिखा रहे हैं वो इतना कुछ मेरे को खास नहीं लगते। अभी ये जो ब्लैक केस में अगर लेता हूँ ना, द मेटल केस इंक्रीज द ड्रॉप रेट ऑफ रिसोर्सेस, अपने को अच्छे मिलेंगे ये लूंगा तो। और ये जो रेड कलर का बैग के लिए अगर अपन होल्ड करते है तो रेड कलर का हर्ब अपने को ज्यादा मिलेगा वहां से। क्या करें आप बताओ, नॉट सीन एनीथिंग यू लाइक स्ट्रेंजर। रिसोर्स अपने को ज्यादा मिलेंगे, बुलेट अच्छे बनेंगे, गन्स अपनी अच्छी, मतलब अपने पास बुलेट की कमी नहीं होगी। इनके रिसोर्स अपन उठाते हैं तो बुलेट की कमी नहीं होगी, लेकिन इसका कॉस्ट भी तो है ना, कि अपने को ये 8 लगेंगे। और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन खरीद सके। हाँ ये खरीद के अगर अपन वहां पे चिपका देते हैं तो वो बेचेंगे तो अपने को पैसा अच्छा आ जाएगा। अभी कंफ्यूज कर क्या, पहले एक काम करते हैं, अपन बाय में तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे बराबर है। ये क्या है, हेवी ग्रेनेड बनाने का रे, ग्रेनेड की जरूरत नहीं, ग्रेनेड से पूरा जो गोलियों से मारने के लिए मजा लग रहा है ना, एक फाइट का जो नशा आ रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा अपने को अगर ग्रेनेड करते हैं। देखते पहले टून वेपन्स में टून रिपेयर करना पड़ेगा, रिस्टोर योर आर्मर रिपेयर करते हो उसे। और अभी ट्यूनअप में अपने को रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का देखो मेरा 2.40 का है, इसलिए मैं बोला ना कि अपनी रिवॉल्वर तगड़ी सेट है, तो मतलब हाई डैमेज है अपने रिवॉल्वर का, तो इसमें कुछ टेंशन है नहीं। तो क्या अपग्रेड करें जिससे फायदा हो, तो इसका कैपेसिटी भी 13 का लास्ट है वो कर लिया, रीलोड का तो इतना मेरे को नहीं लगता, रेट ऑफ फायर बड़ा। रुको पहला अगर 1,00,000 होता है ना, अगर अपने पास 1,00,000 पैसा हो जाता है तो अपना इसका डैमेज अपन 1.5 बना सकते हैं, मतलब 4 का डैमेज रिवॉल्वर का। सोचो अगर रिवॉल्वर का अपना 4 का डैमेज हो जाएगा तो किसी को भी अपनी यू गिरा सकते हैं। तो 1,00,000 रुपया बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो चीज नहीं चाहिए वो बेचनी पड़ेगी। अभी बेचने के लिए 73, अरे पता है रे मनी, अपन एक काम करते दोस्तों, ये खरीदते, हाँ ये खरीदते, चलो 1-2 डायमंड खरीदने अपने को। ओके ये खरीदते, a wise choice, I know, I say that a lot, but I mean it. रुको 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 रुको, अभी अपन क्या करते हैं मालूम, ये डायमंड इसको चिपका देते, कितना प्राइस होता है, अगर हुआ तो अपन उतना रिवॉल्वर का करके लेते। चलो हाँ 1 डायमंड है, अगर 1,00,000 रुपया होता है तो अपना रिवॉल्वर तगड़ा हो जाएगा। इसका प्राइस हो गया 61,000 का हो गया, 61,000 का हो गया। और ओवर 1 का अगर स्क्वायर रखेगा ये बेचेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ये बेचेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन क्या करते, बाहर आते, बाहर आके इसके साथ ट्रेड करते हैं और सेल कर लेते हैं अपन। ओके ये सेल करते हैं, और 1 स्क्वायर लगाऊंगा तो ज्यादा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आगे तगड़े बंदे आएंगे तो इसको मैं बेच देता हूं। ओके 61,000 का आइटम है, बेच दिया उसको। थैंक यू। अभी 135,000 रुपया अपने पास जमा हो चुका है, 135,000 जमा है, तो उसमें ये मैं
अपना डैमेज देखो 2.40 का डैमेज है रिवॉल्वर का, मैं बड़ा कह रहता हूँ, लेकिन शॉटगन का अगर मैं बढ़ाता हूँ, समझो शॉटगन में मैंने एक्स्ट्रा यूज किया तो 14-15 का डैमेज मेरे को नहीं लगता इतना जरूरी है, क्योंकि आराम से मार सकते हैं अपने पास जो गन है वो, और इसका भी पावर अच्छा खासा है इतने। इसका बचेंगे तो अपन ये इसको अपग्रेड करके ले लेंगे, ओके पैसा बचेगा तो इसको, पहला रिवॉल्वर को अपन अपग्रेड मारते हैं। So that's your move. Oh, you're an artist. Molding a weapon to suit your specific needs. Oh, it's a thing of beauty, isn't it? Choco. Complete. Will that be all? Come back anytime. Welcome. अभी तो वापस देखते हैं यहाँ पे ट्यूनअप में, अभी मेरी अपनी गन कंप्लीट है, इंक्रीज पावर बाय 10, ये तो अपना अभी तो टोटल है 13 का, 3 का डैमेज का ये हो गई, अभी अपने पास ऐसे ही पैसा बचा है, तो इसमें शॉटगन तो अपग्रेड नहीं करते अपन, शॉटगन कर लूं क्या अपग्रेड, क्या बोलते भाई लोग, 12 का है और इसका है 22 का, इसका कुछ भी अपग्रेड नहीं है, और ये ऑटो में भी चलेगी, ये गन ऑटो में भी चलेगी, तो इसको मैं इसका बढ़ा देता हूं सब। Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. बढ़िया, अभी इसका भी 3 का डैमेज है अपना, और उसका भी अपना तो अच्छा चलेगा, और इसका भी थोड़ा सा क्या बढ़ा सकते हैं, एमओ कैपेसिटी इसका 18 का, Your weapons are in good hands, mate. 18 का करूं क्या इसको, इसका रिलोड रेट ऑफ फायर इसका बढ़ा देता हूं, ओके दिस काइंड ऑफ वर्क इज अबाउट, डोंट गेट योरसेल्फ किल्ड नाउ, ये बोल रहा है यार खुद को मारो करके कमी ना साला, चलो कोई ना, शॉटगन की एमो नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा, ओके बैग में जगह भी अच्छा खासा है, ओ बढ़िया है, चलो गेम सेव करते हैं यहाँ पे अपन। और प्रतीक सुना क्या हाल, स्टोरेज में क्या है, फर्स्ट एड है, ले लू क्या, ले लेता हूं, जरूरी नहीं है, स्टोरेज में रख देता हूँ ये स्टोरेज, इसको भी स्टोर में कर लेता हूँ मैं, ओके। और दूसरा हेवी ग्रेनेड अपने पास 2 है, उतना बहुत कस्टमाइज के, ओके इसको भी नहीं, गेम सेव कर लेते हैं। 35-40 पे 35 के ऊपर असिस्टेड है, तो इसको 41 अपन यहाँ पे सेव कर लेते, ओके वो बढ़िया हो गए। चलो अभी अपनी गन है ना भाई लोग, कुछ भी बोलना, इस गन का डैमेज खतरनाक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये गन आपको अभी बताई ना, इसका 3 का डैमेज करके लिया मैंने, ये वाली खतरनाक गन है, देखो 2 बढ़िया गन है, एक बुलेट खत्म कर रहा हूं मैं, लेकिन तो चलो सेव तो कर लिया है यहाँ पे, ये क्या है? ओ भाई
नहीं, गलती से भी नहीं दबाना इसको। मेरा आर्मर खराब कर दिया यार इसने। चलो कोई ना, घुसते भाई लोग। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करना, थोड़ा मेरे को बात करने की तकलीफ हो रही है, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिन, एक डेढ़ हफ्ता मेरा ऐसा जाएगा लगता। चलो आगे भी। ये तगड़ा मिशन होने वाला है यहाँ पे। पीछे तो अपना गेम सेव है। ओके, ये कोई लैब है इसमें right. क्या हालत करके रखी इन लोगों की। रिसोर्स बना नहीं पाएंगे कुछ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ पावर सप्लाई, आउट ऑफ सर्विस। कुछ जगह की पावर ऑफ है जो अपने को एलिवेटर करने पे पता चलेगा। गोलियां है यहाँ पे। मैप देख लेते हैं यहाँ पे। मैप में इतना लूट लूट, इतनी लूट खतरनाक मिल रही। कुछ तो कांड होने वाला है ऐसा लग रहा है। इधर से ही अपन आए थे ना, इधर से ही आए थे। इधर से आए थे सभी। अबे कुछ तो एक्सपेरिमेंट हुआ है। पूरी जगह एकदम खतरनाक लग रही है ना। चलो निकलते हैं। समथिंग रॉन्ग विद पावर। यस, मैं भी समझा, उधर नोटिस मिली तो कुछ तो है जिससे पावर ऑन करनी है। बोल्ट नाइफ यहाँ पे चल के ऑन करनी है क्या? ओ भाई कोई तो है। ओ भाई अंदर कोई तो है। हिल लेनी चाहिए थी मेरे को, अब भी लग रहा है, लेकिन छोड़ो। कोई तो ऊपर दौड़ रहा है।
इसके लिए पावर ऑन करनी है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने देखा वो आएगा। एलिवेटर का प्लग नहीं मिल रहा है कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या छुपा के रखा है इन लोगों ने, सालों ने। मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे ये वो ओके इधर ही दिखा रहा है ना, नहीं इधर नहीं, ये बंदे यहाँ पे स्विच। कुछ तो लफड़ा है भाई, ये तो स्विच मिल गया है मेरे को। अरे भाई आधी हील खा लिया इसने, अरे सी दबाया ना। हील हील क्राफ्ट नहीं कर सकते, और क्या क्या आप क्राफ्ट कर सकते, क्राफ्ट करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। पावर रिस्टोर हो चुकी है, ओ भाई तो
neck. So we're playing hide and seek, is that it? निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। यार रास्ता नहीं मिल रहा यहाँ पे। इसको होल्ड करना पड़ेगा। इधर जा रहे जान निकाल दी थी इसने, जान निकाल दी थी, कसम से बोलता बुलेट खत्म हो गई, लेकिन तेरा भाई भी कुछ कम नहीं है, मार के ही माना। लूट करूंगा, भाड़ में गया लूट करूंगा, पूरी बुलेट खा ली कमीने ने। क्या मिला इसको माल के, क्या मिला यार मार के गोल्ड, चलो इसका भी वैल्यू रहेगा कुछ। पूरी बुलेट खाली कमीने ने मेरे, कोई बात नहीं, लूट देखते भाई लोग, लूट देखते, मैं लूट देखूंगा क्योंकि पूरा इधर खाली हो चुका है यहाँ पे मेरा, और मेरे को जाना तो वहां पे, तो लूट देख के ही जाना है, तो चलो एक बार देख लेते हैं ना कुछ ना कुछ आजू बाजू, मैंने देखा था यहाँ पे तो वो देखो, बोला ना कुछ यहाँ पे पड़ा है, थोड़ा संभल लेना भाई वो लोग, कि मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि बात करने में थोड़ा सा बीमार हूँ, डेढ़ हफ्ते का रेस्ट बोला है, लेकिन आप तो जानते हैं यार एक स्ट्रीमर रुक नहीं सकता विदाउट स्ट्रीमिंग कहिए यार, तो थोड़ा जुबान मेरा मुंह बोलते हैं ड्राई हो रहा है बात करते हो, संभाल लीजिए। चलो यहाँ से तो लूट कर लिया, और कुछ है क्या लूटने जैसा,
अच्छा हुआ ना मैं रिवॉल्वर का जो डैमेज मैंने 3 का 3.2.40 का डैमेज है और मैंने वो कार्ड खरीद के 3.50 के 390 का रिवॉल्वर का डैमेज किया इसके लिए वो गिरा, नहीं तो क्योंकि मेरे को इतना तो गारंटी था कि शॉटगन की एमओ ये सब खत्म होती है, रिवॉल्वर की एमओ भी नहीं मिलेगी। रिवॉल्वर की एमओ यहाँ पे ढेर सारी मिलती, भर भर के मिलती, तो उसका बेनिफिट अपने को मिला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना। कल 110% शाम के जो भी स्ट्रीमिंग अपन करेंगे बीजेम है कि आज वापस बोल रहा हूँ कि मैं दवाई खाई सो गया, फिर मेरे को उठने को नहीं हुआ और मोबाइल मैंने चार्जिंग पे नहीं रखा था, फिर ध्यान में आया कि कल से मैंने स्ट्रीमिंग चालू की है तो फिर देखा तो चार्जिंग नहीं, तो बोला नहीं स्ट्रीमिंग अभी चालू की, इतने दिन बाद 6-7 दिन बाद मैंने स्ट्रीमिंग चालू की थी, तो भी कंटिन्यू पीसी गेम की कर लेते, पीसी गेम धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद और अच्छे पीसी गेम आएंगे, लेकिन विजय में रात को अपन विजय में की स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे को तबियत देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट रेस्ट बोला है और बीमार वापिस बीमार गिरूंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो साला बोलते हैं ना गाली सुननी पड़ेगी आपके भाई को, वैसे ही मेरे को बोला 1.5 घंटा कुछ कर, 1.5 हफ्ता अब तो कंप्लीटली रेस्ट लेना और क्योंकि बहुत सारा ब्लड गया है। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना दीजिएगा, बोलिएगा मत। और इधर से अपन आए यहाँ पे बुलेट पीछे रह चुके हैं, बुलेट ले लेते अपने डिलक्स मैप है तो अपने को ऑलमोस्ट तभी पता चल जाता है मतलब किधर क्या सामान रहेगा तो दिख जाता है डिलक्स में। अभी देखो अपने को रिवॉल्वर की बुलेट ही करे यहाँ पे, किधर तो अपन ने मिस कर दी है। ये देखो यही मैप का यही बेनिफिट होता है। और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे खाली किया है, आगे निकलना अपने को, चलो निकलते हैं। ये देखो मारा पड़ा है कमीना, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे तो सब लूट लिया था ना मैंने, स्विच ऑन किया था अभी, हाँ लूट लिया है। चलो अभी क्राफ्टिंग कुछ कर सकते तो कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी सब मशीन गन की बुलेट बना सकते, सब मशीन गन इतना डैमेज नहीं दे रही है तो राइफल की बुलेट अपन हो बनाएंगे, थोड़ा होल्ड लगेगा तो भी चलेगा, राइफल अपनी तगड़ी है ना, चार ही बुलेट बची इसमें। सुन ले डॉक्टर की गाली सच्ची है, अरे क्या करूं प्रतीक मैं कितना सो, होली के दिन से तो पूरा सो के निकला, होली के दिन बीमार गिरा मैं, होली के दिन परफेक्ट सुबह स्ट्रीम की, शाम को बुखार आ गया था और फिर कलर के दिन कोई डॉक्टर नहीं था तो डॉक्टर के पास गया तो वहां से जो दवाई हिट चालू हो गई, मतलब ब्लडिंग गया मेरा कम, बहुत ब्लड गया मतलब वॉशरूम में इतना हीट हो गया था बॉडी, तब से मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ। धंधा भी मेरे जो बंदे हैं रिक्शा वाले वो मेरे दोस्त है, मेरा भाई है जो भी है वो डाल के सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है और कितना रेस्ट करूँ यार। डॉक्टर बोल रहा है रेस्ट कर सो के निकल, लेकिन कितना सोएगा तू, तेरा लिमिट होना चाहिए ना कुछ यार, सोने के लिए कुछ ये नहीं रहे लेकिन कुछ तो लिमिट चाहिए, नहीं पाया इतना नहीं सो सकते। और ऊपर से मेरे को बोला कि 1.5 हफ्ता तू रेस्ट कर, 1.5 हफ्ता मतलब मैं आज सुबह नहीं आज कल गया था तो बोल रहा है 1.5 हफ्ता कि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए कि बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, कवर होने में टाइम लगेगा और ऊपर से कफ भी हो चुका है, बॉडी वीक है कफ है, कफ होने से मेरे को बात करने में तकलीफ हो रही है और खाना ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब खा नहीं पा रहा हूँ वो कफ की वजह से, तो इतना रेस्ट करूँगा और घर में अकेला बोर हो जाऊंगा, दैट्स द बेटर कि स्ट्रीमिंग में तुम लोग सब मिलते हो अच्छा लगता है, वो गाना है ना तूने सुना है ना मेरे भाई, तुमसे मिलना तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, बस वही चालू है मेरी जया, लव यू। पसीना छूट रहा है, तू मेरी शक्ल देखता होगा ये देख पूरा पसीना छूट रहा है, बुखार का दवाई ली ना तो पसीना निकल रहा है। चलो आगे बढ़ते,
मैं डॉक्टर को भी गेम खेलना सिखाने वाला हूँ, उसको बोलने वाला हूँ मेरे को सब्सक्राइब कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी। साला सुबह शाम दूसरों को इंजेक्ट करता रहता, इधर गेम में आ, मैं तेरे को इंजेक्ट करूंगा। अच्छा रास्ता भूल गया तेरा भाई, वो लिफ्ट में जाना है ना अपने को, किधर से है? लिफ्ट का रास्ता ओके, इधर से जा रहा है। बोर हो जाते हैं रे घर में बैठ के, रेस्ट करना खराब नहीं होता ना, इतना आदत नहीं है काम, सुबह शाम अपन काम करते रहते, मेहनत करते रहते, तो आदत तो है नहीं। लिफ्ट में तो आ गए। इसका थोड़ा पीसी गेमिंग की जो स्ट्रीमिंग करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि एक्सप्लेन करना, तो भी मैं आज आप लोग माफ कर दीजिएगा मेरे को, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यार। इस पे भी यार, इस पे भी देखो पैरासाइट का इफेक्ट चालू हो चुका है, इस पे भी पैरासाइट का इफेक्ट चालू हो चुका है और तगड़ा हो रहा है। यू आर सफरिंग जस्ट फॉर द निवेश, जस्ट एज इट हैज फॉर हिज डॉटर हु हैज जॉइंड अस इन कम्युनियन एंड नाउ शी इज ऑफ आवर फ्लेश ऑफ आवर ब्लड। My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Oh, bhai. ये बोल रहा है कि ऐशले पे अभी इफेक्ट हो चुका है जो प्रेसिडेंट की बेटी है, और तेरे पे भी अच्छा इफेक्ट हो सकता है, तू अब हमारे में शामिल जल्दी होने वाला है। ओह यहाँ पे लुइस मिला। I'll make it cheap for you. बढ़िया। उसको भी आपके फैमिली डॉक्टर को दिखा दो। हाँ अपना दोस्ती है रे, ऐसा मतलब अपने से छोटा है उतना ये नहीं है, मतलब डॉक्टर तो बड़ी है लेकिन देखते। तो एनीवे एक मिनट में एक कॉल उठा लेता हूँ, प्लीज जरा एक मिनट जरा। एक मिनट सूर्य कांत जी, एक मिनट बोला ना सर। मला फक्त एक आयडिया द्याल का, उद्या माझी ना एक 88 ची अमाऊंट आहे, तर तुम्ही किती वाजेपर्यंत तुमची होईल? मी 4 वाजे पण हा चालेल, मी 4 वाजेपर्यंत लाश पकडू ना, होईल ना? चालेल चालेल। तो यहाँ पे देखो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि पैरासाइट का इफेक्ट अच्छा खासा हो रहा है और हो चुका है, नहीं सिंगल नहीं है रे, एजड है प्रतीक, एजड है, उम्र है। उम्र मतलब मेरे से भी एजेड है, और दूसरा मेरा जो डॉक्टर है, हम लोग का दोस्त है, उससे सजेशन रहते है, वो तो अपने से छोटा है, ऐसा उसको तो पता है मेरे को गेमिंग की आदत है करके। तो अभी यार देखो यहां तक अपने को अभी ये स्टोरी पता चली कि ये तो मरते मरते फाइट करते करते एशले को ढूंढ रहा है, लेकिन एशले वहां पे जो एशले को इन लोगों ने काला कलर का जो लिक्विड पिलाया था उससे एशले के ऊपर इफेक्ट हो चुका है पैरासाइट्स का, अच्छा बढ़ चुका है, और इस पे भी हो रहा है। लेकिन अभी ये जो स्टेज पार किया उसमें लुइस मिला है, और लुइस के हाथ में आप सबने देखा है कि कुछ तो
एंटीबायोटिक है जिससे कि वो इन लोग को बचा सका था, जो बचा सकता है वैसे कमेंट किया था, वो एंटीबायोटिक शायद जड़ी बूटी या उसका कोई तोड़ लुइस के पास है जो आगे चल के अपने को काम में आने वाला है, एशले भी बीमार है उससे वो राहत मिल सकती है। तो अभी यहां तक तो अपन पहुंच चुके हैं। छत्तीस है असिस्ट का और उसके पास स्टैंडर्ड 30 का, तो 42 को अपन ये सेव कर लेते हैं गेम। ओके 42 को ये सेव करते हैं। सिंगल है क्या? अभी ले पूछ रहा हूँ, आप भी ना। अभी चुप बैठा साले कमीने। तो 42 पे ही अपन सेव कर लेते हैं। और प्रतीक तेरा कैसे चल रहा है भाई? Feeling better? Yeah. Yes. Seems like it worked. Bad news. All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. एक यलगार करते हैं ना वैसे लुइस यलगार करते हैं, चलो प्रिंसेस को बचाते हैं, और वो उसमें हाथ में से रॉड निकल देता है। अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले कि लियोन को भी पैरासाइट के इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांगली हो चुके थे, जैसे कि वो उसको कोई थर्ड पार्टी काबू कर रही थी, जैसे वो सेलेजर जो भी व्हाटएवर है वो उसको काबू कर रहा, वो बता रहा है कि तू जल्दी ही मतलब तेरे पे पैरासाइट मतलब परजीवी का इफेक्ट होके तू हम लोग जैसा बन जाएगा। लेकिन उसका नसीब अच्छा है कि लियोन को लुइस मिल गया और उसने उसका एंटीबायोटिक उसको दे दिया, तो लुइस अभी बेटर फील कर रहा है। और एक एंटीबायोटिक बचा हुआ है जो एसले के लिए इन लोगों ने बचा के रखा है। तो बस कैसे भी करके अभी अगले एपिसोड में अपने को निकल चलना है एसले की तरफ, एसले को बचाने के लिए एंटीबायोटिक का उसको एंटीबायोटिक इंजेक्ट करने के लिए, ताकि वो भी ये पैरासाइट के इफेक्ट से बच जाए। चलो कुछ बातचीत करते, ये गेम अभी यहाँ पे रखते। चल तो फिर क्या बोल रहा है? चल तो रुक, कमेंट पढ़ता हूँ, मोबाइल पे पढ़ना पड़ता है तेरे भाई को। हाँ भागते दो टेस्ट। लियोन पूछ रहा हूँ, हाँ लियोन अभी भी सिंगल है। तो चलेगा प्रतीक, थैंक यू सभी को विजिट करने के लिए। आज का एपिसोड अपन यहीं पे होल्ड करेंगे। पैरासाइट्स का तोड़ लियोन के पास आ चुका है जो एशले को बचाएगा आगे चल के, और एशले भी जैसे कि लियोन को अभी राहत मिली तो एशले को भी राहत मिलेगी, ये टेम्पररी है लेकिन जैसे लुइस बोला। तो आज के एपिसोड अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे कल शाम को, अपनी स्ट्रीम फिक्स रहेगी बीजेएमआई की करेंगे, लेकिन पीसी गेम थोड़ा सा होल्ड करके करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा बात करनी पड़ेगी स्टोरी समझाने के लिए। तो थोड़ा सा फिलहाल आपके भाई से इतना स्ट्रांगली नहीं हो रहा है, थोड़ा संभाल लीजिए, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर चालू रखेंगे इसका। चलो फिर आज के स्ट्रीमिंग से आप सभी भाई बहनों से विदा लेते हैं। पसीना बहुत आ रहा है, ऐसा लग रहा है नहा लिया हूं मैं यहाँ पे बैठ के, पूरा गीला हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, मिलते हैं कल शाम को, तब तक सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। थैंक यू प्रतीक साथ में बने रहने के लिए, लव यू यार, बाय।